हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए नोटिस निकला था, तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना दिया था आप लोगों के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो इसका जो ऑनलाइन इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए बोले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस फॉर्म के नीचे आना होगा। नीचे में आप लोग देख सकते हैं पर कुछ फॉर्मेट दे दिया गया है। ये वाला फॉर्मेट आप लोग देख रहे होंगे। इस फॉर्मेट में ही आप लोग को जो है अपना A4 पेपर में इसको टाइप कर लेना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है पिक्चर देने के लिए मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने के लिए एक जगह रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ ट्रेड मतलब कौन सा ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट मतलब आप लोग का नाम यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ देना होगा। मतलब इसको इस फॉर्मेट में आप लोग को सजाना होगा। आप लोग एक जो A4 पेज है उस A4 पेज में इसको सजा के आप लोग को ये कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और फ़ोन नंबर देना होगा। दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे कि ऑफलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सारा जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकलता है उसका भी फॉर्मेट होता है। आप लोग उसके जैसे भी बना सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट आप लोगों को इसी ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट को आप लोगों को रखना होगा, सिर्फ यही बोला गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को परमानेंट एड्रेस भी देना होगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर दोनों को ही फिर से लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन देना होगा, मतलब आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है ITI वो आप लोग को देना होगा। 10th pass ITI तो सब कुछ देना होगा। देने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है फिजिकल हैंडीकेप है या नहीं उसका एक फॉर्मेट रखना होगा। उसका भी आप लोग को एक SC ST है या नहीं वो यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पर SC ST फिजिकल हैंडीकेप और एक सर्विसमैन के यहाँ पर जो है कलम दिया गया है। तो इन इन जो चारों दिया गया है इसको ही आप लोग को उसमें रखना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए एक जो जगह रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब कौन सा फोटोकॉपी आप लोग देना चाहते हैं वो उसका यहाँ पर जो है आप लोग को लिखना होगा। मतलब जो अपना एज प्रूफ, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, उसके बाद जो जो फॉर्मेट आप लोग देंगे, जो जो यहाँ पर आप लोग डिटेल्स यहाँ पर देना चाहते हैं वो यहाँ पर देना होगा, उसका नाम लिखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि जो जो यहाँ पर फोटोकॉपी आप लोग देना चाहते हैं उसका आप लोग अटेस्टेड कॉपी देना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया कि सेल्फ अटेस्टेड या फिर गेजेटेड ऑफिसर से। तो आप लोग यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड या गेजेटेड ऑफिसर दोनों के कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्लियरली नहीं बोला गया है। तो उसके बाद आप लोग को इस एड्रेस पर सेंड करना होगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है आप लोगों को, टू द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, रिंग रोड मायापुरी न्यू दिल्ली 10006 होती है। यहाँ पर आप लोग को सेंड कर देना होगा, वो भी 21 दिनों के अंदर। दोस्तों, जल्दी कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, इस पोर्ट के माध्यम से यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा। दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।